बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। साथियों क्यों आता है? साथियों आता है जब मनुष्य मेरा तेरा छोड़ देता है। त्रेता भी तभी तक रहता है जब मेरा तेरा कोई विशेष हुआ नहीं होता। द्वापर तब आता है जब मेरा तेरा शुरू हो जाता है, और कलयुग तब आता है जब मेरा तेरा जोर पकड़ लेता है। ये सारा खेल मेरे तेरे का है, इसको व्यक्ति छोड़े मेरे तेरे को। मेरे अगर सोचना है और तेरा सोचना है तो तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, ये सोचने की जरूरत है। उसको सोचने की बजाय जब वो अलगाववाद सोचता है, सेपरेटिज्म, अलग अलग सोचता है, तो नतीजा उसका क्या होता है वो आपके सामने है। जितनी भी बुराइयां हमारे सामने आती हैं, तो बाबा ने इसका तरीका क्या बताया है कि सरेंडर कर दो। सब एक शिव बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब पहले पहले ये करोगे, सरेंडर करोगे, हमारा कुछ भी नहीं है, उसमें मोह और आसक्ति छोड़ोगे और मेरा और तेरा छोड़ोगे, तभी इस संसार में प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी। जो कंप्लीट प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी है, वो इसको छोड़े बिना हो ही नहीं सकती। इसको आप देख लीजिए, कोई भी अगर संसार में ये सोचता है कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूं, तो उससे समाज खराब होता है, वो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। अब जो करप्शन से काम करता है, पैसा लेता है, हालांकि ऑफिस में उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आते हैं, उनको कहता है कि मुझे क्या दोगे? अरे भाई आपको क्या दूंगा, आप तो काम ही ये करते हो, आपकी नौकरी है, आपको गवर्नमेंट पैसे देती है, आपको और क्या चाहिए? कहता है नहीं, मुझे भी चाहिए, मेरा बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, उसका मैंने कुछ सोचना है। ये नौकरी से क्या पूरा होता है क्या? तू कुछ देगा तो तेरा काम हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा, देगा नहीं तो रोज हवा खाएगा, एक साल तक जूता घिसाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है, उसको ऐसा बोलता है। तो जो अगर इस तरह से कोई करप्ट होता है, तो करप्ट होता है उसका अपना जिससे काम पड़ेगा उसको भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी करप्ट हो गई ना। आपने गलत पैसा लिया किसी का काम करने के लिए, फिर आपका कहीं से काम पड़ेगा ना, कोई कहीं तो आपका भी पलड़ा अड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा कहीं से। कुछ चीज तो दुनिया में आपको भी चाहिए, किसी से लेना देना, तो जब ऐसा आपको करना पड़ेगा तो आपको भी आगे पैसा देना पड़ेगा। तो जिस हाथ दे उस हाथ ले, सौदा नकद बनकद, ये दुनिया तो ऐसी है, जो करोगे सो भरोगे पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि उससे करप्शन से पेट भर जाएगा, है जी, और कुछ सुख से रहेगा, बल्कि वो सोसाइटी ही करप्ट होगी, वो सोसाइटी ही खराब हो जाएगी, और उस खराब सोसाइटी में जो व्यक्ति रहेगा वो भी खराब हो जाएगा, उसको सुख और शांति कहाँ होगा। तो बाबा ने ये फार्मूला बताया है कि जो पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया है, जिसे हम सतयुग कहते हैं, वो पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया की एक इकोनॉमिक्स है, एक पॉलिटिक्स है, एक उसका सोशल साइंस है। लोग जो अनेक प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम, मनार्की और डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी,
क्रेशी क्रेशी करते करते क्रेजी हो गई खुद ही, क्रेशी कुछ हुई नहीं। क्या नतीजा उसका, फायदा क्या निकला? सब क्रेजी हुए पड़े हैं ना, क्या नतीजा उसका निकला? तो बाबा ने क्या कहा है कि इससे सचयुग आएगा नहीं। सचयुग कैसे आएगा? ये सब सरेंडर करो, इसमें अनासक्त हो जाओ, आसक्ति को छोड़ो, मोह ममता को छोड़ो, मेरे तेरे को छोड़ो। ये दो शब्दों के फार्मूले से संसार बदलता है, आप देख लीजिए। विजडम उसी को कहा जाता है कि थोड़े सी बात से सारा फर्क पड़ जाए, इतना परिवर्तन हो जाए। जो बाहर के लोग ज्ञान देते हैं, सन्यासी महात्मा वगैरह, उस ज्ञान से क्वेश्चन और पैदा होते हैं। नॉलेज वो होती है जिससे कोई समस्या का हल हो। किसी ने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, उसने कहा नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। किसी ने कहा भाई जो क्वेश्चन होते हैं नॉलेज उसको सॉल्व करती है। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय और ही क्वेश्चन ज्यादा पैदा कर दे तो वो नॉलेज क्या होता? बखेरा हुआ, वो तो और ही चक्कर में पड़ गए हम, उसका फायदा क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए ना उससे। तो अगर ये सागर के बुदबुदे की तरह से है आत्मा, सन्यासी लोग जो कहते हैं छुड़वाने के लिए सब, तो बुदबुदे की तरह से ये समस्या तो हल हुई नहीं। संस्कार तो है आदमी के, वो तो बदले नहीं। डाल दो सबको सागर में, तो बहुत है दुनिया में, कितने सागर हैं, डाल दो बुदबुदों को, तो क्या नतीजा होगा? कोई उससे प्राप्ति होने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो सेपरेट है। उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये हर एक के संस्कार, विचार, बिलीफ, उनके कर्म, उनका हिसाब किताब अलग क्यों है? ये झगड़ा क्यों है? ये दुनिया में करप्शन क्यों है? ये दुनिया में दुख क्यों है? निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।